हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना शानदार काम, और ये है मेरे दोस्तों अकाउंटिंग का ज्ञान। अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, जो चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, अकाउंटिंग के बिना गुजारा नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि पैसे की महिमा ही कुछ ऐसी, और पैसे को रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। अल्टीमेटली तो खेल पैसे का, और उस पैसे को हमें कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब बातें रिकॉर्ड करनी बेहद जरूरी है। तो अकाउंटिंग की नॉलेज हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, राइट? तो अब जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अकाउंटिंग का ज्ञान जरा सा भी नहीं है। इसीलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करें। वो सब लोग जो अकाउंटिंग का ए भी नहीं जानते, एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं जानते, उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, राइट? तो ये सोचते समय कि भाई हमें अकाउंटिंग के अंदर बिल्कुल प्रोफिशिएंट होना है, अगर आप वाकई ऐसी सोच के साथ इस क्लास में आए हैं तो बिल्कुल सही क्लास में आए हैं मेरे दोस्तों। हम बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से यहां पर ये सारा का सारा काम सीखना शुरू करेंगे। बस एक चीज आपके साथ होनी चाहिए मेरे साथ पढ़ने के लिए, वो है पेशेंस, ठीक है? बहुत सारी चीजें बताऊंगा, सब चीजें बहुत डिटेल में होंगी, तो चलिए आइए बिल्कुल इसे शुरू करते हैं, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग को जानने से पहले बहुत जरूरी है कि हम उस अकाउंटिंग में यूज होने वाली बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी जो है वो हम अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, राइट? तो समझ लो जैसे हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है ना, अकाउंटिंग भी पूरी पांच तत्वों से मिलकर ही बनी है। हमारा शरीर किससे बना जी? धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। और अकाउंटिंग के भी ऐसे पांच एलिमेंट्स हैं, पांच तत्व हैं। वो पांच एलिमेंट्स कौन से हैं? आइए मेरे दोस्तों पहले उनके नाम देख लेते हैं कि वो नाम क्या क्या है। पहला है जी एसेट्स, सबसे पहला है एसेट्स। दूसरा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये तीसरा है लाइबिलिटीज। तीसरा है लाइबिलिटीज, हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना? और फिर ये है इनकम्स एंड गेन्स। अगला क्या है हमारे सामने? ये है जी इनकम्स एंड गेन्स। और आखिरी चीज है हमारे सामने कैपिटल। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिसने इन पांच चीजों पर अपनी पकड़, इन पांच के पांच एलिमेंट्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग उनके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, बिल्कुल। सो क्यों ना हम भी अब सबसे पहली जो शुरुआत करने वाले हैं, वो पहले इन्हीं पांच टर्म्स पर अपना बिल्कुल शिकंजा कस लें। सो क्यों ना सबसे पहले शुरुआत की जाए एसेट्स के साथ, और डिटेल में बताने वाला हूं, किताबों में इतनी सारी चीजें नहीं मिलने वाली, ठीक है ना? तो तसल्ली से बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए और सुनना शुरू कीजिए। तो अब जरा मुझे बताइए, हम एसेट्स की कहानी से यहां पर शुरू करने वाले हैं, लेकिन एसेट्स क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन क्या है, भाई वो तो बातें बात की हैं। पहले हम अपने आसपास तो नजर डाल लें कि क्या हमारे आसपास ये सब चीजें नजर आती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे आसपास ये सब चीजें नजर आती हैं। हम पहले उन्हीं सारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे इन जनरल जो हम देखते हैं, और फिर वहीं से हम अपने एसेट्स की डेफिनेशन को डिराइव कर लेंगे, ठीक है जी? तो सब लोग तैयार? माय डियर फ्रेंड्स, अब एक बात बताइए, सभी लोगों ने फैक्ट्री तो कभी ना कभी देखी होगी भाई। एक्चुअली ना देखी हो तो कहीं ना कहीं आपने मूवीज में देखी होगी, टीवी में किसी ना किसी सीरियल में देखी होगी, किसी ना किसी न्यूज़पेपर में देखी होगी, मैगजीन में उसके बारे में पढ़ा होगा। तो वही फैक्ट्री के अंदर आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा लैंड है, और वहां पर बहुत सारी मशीनें बनाई गई हैं, रखी गई हैं, और वहां पर पूरा का पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी है। उसके बाहर का ये एरिया वो भी उसी फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं प्रिसिंक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रिसिंक्ट्स। यानी एक तो फैक्ट्री का एरिया हो गया, तसल्ली से सुनना मजा आएगा बहुत, और ये चीजें आपको कहीं एकदम सुनने को मिलेंगी नहीं। और उस फैक्ट्री के एरिया में जो हमारी यहां पर सारी कंस्ट्रक्शन हुई, एक तो वो,
और उसके अलावा प्रिसिंक्ट्स thereof, जो उसके साथ जुड़ा हुआ लैंड है वो भी आता है। और उसी में हमारे पास आती है भैया मशीन्स, क्योंकि जो प्रोडक्शन होनी है फैक्ट्री के अंदर वो मशीनों के द्वारा ही होगी। बोलिए यस और नो। मशीनें एक हो तो मशीन है, लेकिन मशीनों का जो ग्रुप हो जाए उसे क्या कहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जो ग्रुप ऑफ मशीन्स है उसे हम बोलते हैं प्लांट। प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठा भी आता है। तो प्लांट में क्या है, मल्टीपल मशीनों को जोड़ करके एक पूरा का पूरा एक बड़ा सा ग्रुप है जो प्रोडक्शन में सहायता करता है। वो प्लांट ही, वो पौधे की बात नहीं हो रही। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी मशीनें आपने देखी होंगी। ये आजकल रोबोटिक मशीन्स का हिसाब किताब है। ये कन्वेयर बेल्ट पे सामान बनता हुआ आ रहा है। ये मशीन्स अपने आप ही जो हैं उस सामान को इकट्ठा करके उठाती हैं, पैक करती हैं, कन्वेयर बेल्ट से आता है और फिर एक व्यक्ति वो सारे के सारी मशीनें उठा के इस फोकलिफ्ट से ले जाके वेयर हाउस में रख देता है। तरह तरह की मशीनों पर लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो मशीनें हैं माई डियर फ्रेंड्स, ये सारी मशीनें भी क्या हैं? ये सब एसेट है, फैक्ट्री एसेट है। वो जो सामान बनकर तैयार हुआ या तो सीधा बिक जाएगा, और अगर नहीं बिका तो मेरे दोस्तों वो वेयर हाउस में जाएगा। वेयर हाउस के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े एरियाज बना रखे हैं जहां पर सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए इस तरह की फोक लिफ्ट काम करती है। फोक यानी कांटा, तो इकट्ठी बहुत सारी सामान को उठा के ले जाएगी। और अगर हमने वहीं से डिलीवरी करनी है तो सामान को ट्रक्स में भर करके भेज देंगे। तो ये जो ट्रक्स है, ये जो व्हीकल्स है, ये भी क्या है बिजनेस के लिए? ये भी एसेट्स हैं। तो जिस लैंड पर वो फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री में वो मशीनें आई, वो पूरा प्लांट, सामान बनकर जो जिस जगह गया वेयर हाउस में, वो पूरा वेयर हाउस, और वहां से व्हीकल के थ्रू जब सामान इधर से उधर जा रहा है, और इन मशीनों से जहां यूज किया जा रहा है, ये सब एसेट्स है दोस्तों। ये वेइंग मशीन, ये सब एसेट है। ये वेइंग मशीन एसेट है। ये जो उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर है, ये सब एसेट है। राइट, कंप्यूटर रखा हुआ है भाई, वो भी एसेट है। जिन टूल्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर कोई रिपेयर वर्क करना होता है भैया, तो वो सारा का सारा काम इन्हीं टूल्स से होता है। वो टूल्स भी क्या है? ये भी एसेट्स है। अब एक बड़ी शानदार चीज बताता हूं आपको। जिन पाइप्स के थ्रू पानी आता है, राइट, या जिन जिन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को लगा के इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी फिटिंग्स की जाती है, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है। ये क्या जी? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, राइट। और ये क्या है? ये फिक्स्चर्स हैं। फिक्स्चर्स बोलते हैं। तो जो भी आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स देख रहे हैं, पाइप की फिटिंग्स देख रहे हैं, ये सब इन टोटल कहलाती हैं फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स। क्या बोलते हैं? फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स, ये भी एसेट्स हैं। भाई ये बात तय हो गई कि एसेट्स कोई ऐसी चीज है, ऐसा रिसोर्स है जो कि हमें प्रोडक्शन करने में मदद कर रहा है, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसे पैसे से खरीदा गया है लेकिन बेचा भी जा सकता है, उसका कुछ पैसा मिलेगा, राइट। तो ये फैक्ट्री में जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देख ली। जरा ऑफिस की तरफ आ जाइए। ऑफिस में आप देखेंगे कि भाई बहुत सारा सामान पड़ा है। ये टेबल, ये चेयर, ये सब क्या है? ये सारी चेयर्स इस कॉन्फ्रेंस रूम में, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ये सारे रैक्स, राइट, ये सब क्या है? ये सब एसेट्स है। ये है ऑफिस का फर्नीचर, करेक्ट। ये फर्नीचर भी क्या हो गया? एसेट। अच्छा, ऐसा फर्नीचर फैक्ट्री में भी तो हो सकता है। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। तो ऑफिस फर्नीचर अलग है, फैक्ट्री का फर्नीचर अलग है। तो आप जब देखेंगे कि जी एक फैक्स मशीन पड़ी हुई है, ये भी आपका एक एसेट है। आप देखेंगे कंप्यूटर, ये भी एसेट। ये लैंप, लैंप भी आपका एसेट है। ये टेबल, ये चेयर, ये सब एसेट है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी चीज हमें एक लंबे समय तक हेल्प करेगी, हम उसे एसेट बोल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी। लेकिन क्या थोड़े समय के लिए कोई चीज हेल्प करे, उसे भी एसेट बोलते हैं? बस इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, फर्नीचर आपको नजर आ रहा है, करेक्ट, ये ऑफिस में नजर आ गया। तो जब आप वेयर हाउस में जाएंगे, तो भाई वेयर हाउस के अंदर मैंने आपको बता दिया, वो फोकलिफ्ट,
वो पूरी की पूरी वेयर हाउस की बिल्डिंग, ये व्हीकल्स, ये सब क्या है, ये सब एसेट्स है, ये सारे के सारे एसेट है। और उस वेयर हाउस में रखे गए रैक्स, ये भी क्या है, रैक, ये भी एसेट है। अब सवाल आता है जी, मनी क्या है? क्या मनी भी हमारा एसेट है माय डियर फ्रेंड्स? यस, मनी भी हमारा एसेट है। मनी जो है या तो आपके हाथ में होगा, जिसे हम बोलेंगे कि जी ये तो मेरे हाथ में जी, कैश इन हैंड। लेकिन अगर वही पैसा मैंने बैंक में जमा करा दिया कैश, तो मैंने वो पैसा बैंक से लेना है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, वो है मेरा कैश एट बैंक। मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, मैंने बैंक से लेना है, लेना है तो एसेट। क्या शब्द बोले मैंने, याद रखिएगा ये बात, अगर हमने कुछ लेना है किसी से तो वो एसेट है हमारा, लेना है तो एसेट, ठीक है, लेना है तो एसेट। अब आती है अगली बात, और उसमें बड़ी शानदार चीज आती है जी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अरे सर जी, ये किस बला का नाम है? आइए देखते हैं, इन तीनों का डिस्कशन वन बाय वन करते हैं जी। तो सबसे पहले रिलायंस कंपनी के इस लोगो को देख लो, रिलायंस कंपनी के इस लोगो को देख लो, रिलायंस कंपनी का ये लोगो क्या कोई और कॉपी कर सकता है? क्या कोई और, आप या मैं या कोई भी और, इस लोगो को कॉपी करके कह सकते हैं हाँ जी हम ये वाला माल बेचते हैं? नो। क्या आप में या मुझ में ये ताकत है कि हम जियो का ये उसका लोगो यूज कर लें? नो। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इस लोगो को बनाया, इस डिजाइन को बनाया, तो इस डिजाइन पर उन्होंने अपना कॉपीराइट ले लिया कि और कोई भी व्यक्ति इनकी मर्जी के बिना इन कॉपीराइट्स को यूज नहीं कर सकता, ये डिजाइन यूज नहीं कर सकता। ना सिर्फ वो, बल्कि जो ये टैग लाइंस लिखी गई हैं, जियो डिजिटल लाइफ, ग्रोथ इज लाइफ, इनको भी कॉपीराइट करवा दिया गया है, ये भी कोई यूज नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के ये दिमाग से चीज उपजी, उसने कहा जी ये तो मेरी इंटेलेक्ट से निकल के आई है, मेरी बुद्धि का ये कमाल है, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो अब आप कैसे साबित करोगे कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? आपको इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने नाम से, और ऐसी चीज बनानी पड़ेगी कि किसी और ने ना बनाई हो, तो वो आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगी, उसका आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, आपकी इजाजत के बिना उसे कोई यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन आप जरा सोचिए, रिलायंस का ये ब्रांड क्या इसी कॉपीराइट के कारण प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। और इसकी वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने में मदद करते हैं, ये भी एसेट है, ये कहलाए हमारे कॉपीराइट। किसी व्यक्ति ने कोई गाना गा दिया, किसी व्यक्ति ने कोई गीत लिख दिया, किसी व्यक्ति ने कोई म्यूजिक बना दिया, ये भी कॉपीराइट है। जैसे कि आपने देखा कि एक एक किताब थी 5 पॉइंट समवन बाय चेतन भगत, इस व्यक्ति ने एक स्टोरी लिखी, एक नॉवल लिख दिया। अब ये नॉवल लिख देने के बाद उस व्यक्ति का ये कॉपीराइट हो गया, क्योंकि उसका ये बिल्कुल यूनिक वर्क था, उसने इसे अपना कॉपीराइट करवाया। लेकिन बाद में पता चला एक मूवी बनाई जा रही थी जो कि इसी के ऊपर बेस्ड थी, थ्री इडियट्स। उस समय चेतन भगत को अपने इस काम की रॉयल्टी नहीं मिली, उसने कहा भाई तुम मेरी मर्जी के बिना मेरे ही इस स्टोरी को कैसे छाप सकते हो? छाप तो सकते नहीं भाई, तुम वीडियो भी कैसे बना सकते हो मुझसे पूछे बिना? इस पर तो मेरा अधिकार है, मेरा इस पर कॉपीराइट है। तो भैया उसको पैसे मिले तब जाके ये स्टोरी बनाने दी गई, राइट? इसी को कहते हैं कॉपीराइट। उसी तरह से मान लीजिए टी सीरीज ने कोई म्यूजिक बना दिया, और उस म्यूजिक को किसी और व्यक्ति ने अपने यूट्यूब के वीडियो में यूज कर लिया, तो भैया टी सीरीज वालों ने उस पर कॉपीराइट का क्लेम कर दिया कि भाई ये तो हमारा है, आपने इसे कैसे क्लेम, ऐसे आपने इसे यूज कैसे कर लिया हमारी मर्जी के बिना? तो वो जो उनका राइट है कॉपीराइट, माय डियर फ्रेंड्स, वो उनका एसेट की तरह काम करता है, उसे बेचा भी जा सकता है। चलिए अब आपको इस शानदार फ्रिज के बारे में बताता हूं, कुछ अलग लग रहा है आपको? अगर आपसे मैं कह दूं कि ये कंपनी बोलती है, हायर कंपनी बोलती है कि आपके घर में जितने फ्रिज है ना, वो सब उल्टे रखे हुए हैं, आप हिल जाओगे, हैं व्हाट इज दिस, उल्टे रखे हुए हैं, ये क्या मतलब हुआ? वो कहेंगे हाँ,
ये बताइए कि आपकी मम्मी ने कितनी बार बोला है, हाय सामान निकालते समय मेरी कमर दर्द हो रही है, ये सारा सामान नीचे रखा है, नीचे बैठ के, अरे भाई अब तो मेरी उम्र हो गई, अब नीचे नहीं बैठा जाता भाई। तो कई लोगों की मम्मियों ने बात बोली होगी, क्यों? क्योंकि जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब नीचे रखे हुए हैं, और वो सामान सबसे ज्यादा यूज होता है, मिल्क भी वहीं रखा हुआ है, झुक कर निकालना पड़ता है जी। और ऊपर क्या है जी, फ्रीजर जो कि कम यूज होता है। तो हायर कंपनी वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये देखो ये फ्रिज सारे हम सीधे करने आ गए। उन्होंने कहा कि भाई जो ज्यादा चीज यूज होती है वो ऊपर होनी चाहिए ताकि झुकना ना पड़े, और जो फ्रीजर कम यूज होता है वो नीचे होना चाहिए। उन्होंने फ्रिज को उल्टा कर दिया, रेफ्रिजरेटर को रिवर्स कर दिया जी, फ्रीजर को कर दिया नीचे बॉटम पर क्योंकि वो कम खुलता है, और जो फ्रिज का दूसरा पार्ट है जो कि ज्यादा यूज होता है उसे ऊपर कर दिया। अब लोगों को मजा आ गया, भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, झुकना नहीं पड़ेगा, जो भी एजेड व्यक्ति घर पे हैं उनके लिए आसानी हो गई, दादा हैं, दादी हैं, मदर हैं, जिनका बार बार ये काम है, जिनको किचन में बार बार ये इसका यूज करना है, तो उन्होंने कहा भी ठीक है हमने ये टेक्नोलॉजी बना दी। लेकिन कंपनी कहती है जी अगर हमने टेक्नोलॉजी बना दी कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सब लोग भी इसे कॉपी कर ले, तो एक काम करो हम अपनी इस टेक्नोलॉजी को अपने नाम से पेटेंट करवा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इस टेक्नोलॉजी को, अब ये कोई गीत संगीत या म्यूजिक नहीं है, ठीक है कि नहीं, ये कोई नाम नहीं रखा, ये पूरा टेक्नोलॉजी बनाया, इसको क्या करवाया जाता है, इस पर अपना राइट लेने के लिए पेटेंट करवाया जाता है। तो उन्होंने अपना पेटेंट राइट ले लिया जी, ये इतने साल तक हमें पेटेंट राइट मिल जाए क्योंकि हमने इसे इजाद किया है, इसीलिए सबसे पहले हम ही इसका बेनिफिट लेंगे, कोई और इसे कॉपी ना कर पाए, इसके लिए हमने पेटेंट राइट ले लिया और उसके लिए हमने फीस पे कर दी। हमने पेटेंट एक्ट में दिखा दिया कि जी हमारी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है, और अगर कोई इसे हमारी मर्जी के बिना यूज करेगा तो हम उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल कर देंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि फोन जो है, सैमसंग का फोन आता है ना जिसकी स्क्रीन ही पूरी बंद हो जाती है, वैसे खोलोगे तो पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, उसको भी सैमसंग ने पेटेंट कराया। तो जो भी चीज कराई जाती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी निकाली जाती है, उसका पेटेंट राइट ले लिया जाता है और वो एसेट के रूप में काम करता है। अच्छा, कोरोना के समय में जब भी मैंने पढ़ाया तो हमेशा ये बोला कि भाई इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की फार्मेसी है, फॉर्मूला दुनिया में कहीं भी बने लेकिन वो दवाई इंडिया में ही बनेगी। और कमाल की बात तो ये थी कि इस बार कोरोना आया तो भाई इंडिया ने अपनी दवाइयां निकाल दी, दुनिया भर में उसकी प्रेज हुई, बातों की और उस दवाई की प्रेज हुई, दुनिया भर में दवाइयां भेजी गई, कि भाई इंडिया सिर्फ बने बनाए फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नहीं करती, अपनी भी इनकी यूनिकनेस है, अपनी भी दवाइयां निकाल दी। तो जो लोगों ने बाहर भी दवाइयां निकाली वो भी कहते हैं भाई हमें वहां महंगी पड़ती हैं, चलो इंडिया चलो, वहां सस्ती पड़ेगी बनवानी। यहां की कंपनीज ने बोला ठीक है भाई बना देंगे, आप बताओ कि क्या करना। उन्होंने कंपनी ने बोला देखो जी हम फॉर्मूला तो हमारा है, हमारा इस पर पेटेंट है, तो एक काम करो हम आपको, दूसरी कंट्री वाले जो कंपनीज है वो बोल रही हैं, वो कह रही जी ठीक है हम आपको इस हमारे इस फॉर्मूला को यूज करने की इजाजत तो दे देंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। कंपनीज ने बोला ठीक है अभी दे देंगे। जो कंपनी अपनी दवाई ना बना पाई उसने कहा ठीक है जी आप हमें फॉर्मूला दे दो, हम दनादन इसको बना के बेचेंगे, और आपके इस पेटेंट राइट को यूज करने के लिए हमें 5 साल के लिए दे दो, 5 साल तक हम इसे यूज करेंगे, आपको उसका फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे। यानी उस पेटेंट राइट को यूज करके उसने पैसा कमाया, तो भैया पेटेंट राइट भी क्या बन गया, एक एसेट बन गया। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता जा रहा हूं साथ साथ, ताकि ये सब चीजें आपके एसेट्स की कैटेगरी में आती है, पता लग जाए आपको। तो जी पेटेंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, पेटेंट है ऑफिशियल राइट टू बी द ओनली पर्सन टू मेक, यूज और सेल अ प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन। के जी इन्वेंशन मेरी है, फॉर्मूला मेरा है, टेक्नोलॉजी मेरी है, मेरा राइट बनता है, मैं यूज करूं या इसे बेच दूं ये मेरी मर्जी है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा है कि हाँ जी हाँ बिल्कुल आप ही का अधिकार है इस पर, आप ही का फॉर्मूला है, आप ही की इन्वेंशन है, तो आपकी मर्जी के बिना कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब उससे पैसा कमाया जा सकता है, वही पेटेंट है। उसी तरीके से जो लिटरेरी वर्क होता है, जैसे कि मैंने बताया सिंगिंग वगैरह, ठीक है, कॉपी
जो आपने कुछ लिख दिया, सॉन्ग वगैरह, ये सब क्या है? लिटरेरी वर्क है। तो ये जो लीगल राइट है ये उस व्यक्ति को मिलेगा जो प्रिंट करेगा, कॉपी करेगा, परफॉर्म करेगा इसे। वो ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क उसी व्यक्ति का है। वो क्या कहेगा, भैया मेरी किताब है, मेरे पूछे बिना कैसे कर दिया, मेरा सॉन्ग है जी, आपने मेरे पूछे बिना कैसे यूज कर लिया, ये कंप्यूटर प्रोग्राम तो मेरा है जी, आपने मेरे पूछे बिना इसे कैसे यूज कर लिया। उस व्यक्ति ने उस पर अपना कॉपीराइट ले लिया। तो बुक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, कॉपी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, इन पर सब पर कॉपीराइट होता है। और कॉपीराइट का ही इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, वो डॉक्यूमेंट आपको उसका अधिकार बताता है, ये एसेट है मेरे दोस्तों, राइट। उसी तरह से आती है कहानी ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, सिंबल, कोई डिजाइन, जैसे कि कॉपीराइट किसको किया गया, आप ध्यान से सुनना, ये जो डिजाइन है ना, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का ये ट्रेडमार्क लिया भी जाता है। ये जियो लिखा, ये एक कॉपीराइट है, रिलायंस लिखा, ये एक कॉपीराइट है, लेकिन वो जो डिजाइन है माय डियर फ्रेंड्स, उसका ट्रेडमार्क ले लिया जाता है। ये आर जो लिखा है रिलायंस, ये ऑयल को भी दर्शाता है, ऑयल की ड्रॉप को दर्शा रहा है ये, और ये आर भी है, ठीक है ना, इसमें ये आर भी नजर आ रहा है सभी को, रिलायंस का आर और ड्रॉप भी नजर आ रही है, ऑयल को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। ये जो लिखने का तरीका है इसका ट्रेडमार्क ले लिया गया ताकि कोई और इस डिजाइन को, इस लोगो को यूज ना कर पाए। लाइकवाइज ये जो जियो है, ये जियो लिखने के तरीके को क्या कर दिया गया, उसका ट्रेडमार्क ले लिया गया। तो उसी तरह से आपने देखा होगा कई कंपनीज के ट्रेडमार्क होते हैं। तो ट्रेडमार्क वो सिंबल है, वो डिजाइन है जो कि कंपनी यूज करती है, उसको देखते ही पता चल जाता है, अच्छा अच्छा ये तो उनका सामान है। रिलायंस का लोगो देखते ही पता लग जाता है, अच्छा इनका है जी। टाटा का लोगो देखते ही पता लग जाता है, टाटा की गाड़ी है। महिंद्रा का लोगो देखते ही पता लग जाता है, महिंद्रा की गाड़ी है, बोलो यस और नो। बहुत ही शानदार महिंद्रा का लोगो नया वाला बना है, देखा है ना सबने। तो ये महिंद्रा का लोगो एम भी बता रहा है, एक बटरफ्लाई भी बता रहा है, और बटरफ्लाई उड़ने को तैयार है ये भी बता रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, ये उनका ट्रेडमार्क है, देखते पता लग जाएगा जी महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? इसी तरीके से हर एक कंपनी अपना ट्रेडमार्क बनाती है जिससे आसानी से पता लग जाए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, माय डियर फ्रेंड्स बताइए, जो महिंद्रा की स्पेलिंग नहीं पढ़ पाएगा, क्या वो इस लोगो से उसे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? बिल्कुल पहचान पाएगा। इसीलिए लोगोस, इसीलिए इस तरह के ट्रेडमार्क्स बनाए जाते हैं ताकि जो इलिटरेट व्यक्ति है ना, वो भी उसे देख के पहचान ले, अच्छा भाई ये तो उनका मार्का है, ठीक है कि नहीं। इस तरह से बोलते हैं ना, उनका मार्का है जी, दिस इज व्हाट इज ट्रेडमार्क, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का साइन जो आपको ये बताए कि उस कंपनी की ओनरशिप है उस पर, यही सब क्या है, ये ट्रेडमार्क को बताते हैं। सिंबल है, ये डिजाइन है। सो कंपनी अपने प्रोडक्ट पे भी लगाती है ताकि दूसरों से डिफरेंशिएट हो पाए और दूसरे व्यक्ति इस कंपनी के अलावा या कोई दूसरी कंपनी, कोई भी एंटिटी इसे यूज नहीं कर सकती, करेक्ट। दिस इज व्हाट इज योर एसेट। तो रिलायंस के अंदर ये रिलायंस का नाम, ये जियो का नाम, ये ग्रोथ इज लाइफ, ये जियो डिजिटल लाइफ, ये सब कॉपीराइटेड है, ये सारा कॉपीराइटेड है। लेकिन ये डिजाइन जो बना हुआ है, ये जियो लिखने का जो तरीका है, ये सब क्या है, ये ट्रेडमार्क है, करेक्ट। फिर एक और एसेट आता है हमारे पास, तरह तरह के एसेट्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको, अभी समझ जाइए बस, ये सब एसेट है हमारे। जैसे कि लाइव स्टॉक, लाइव यानी जिंदा, जी हाँ बिल्कुल जिंदा। तो जैसे आप किसी फार्म हाउस के अंदर जाते हैं, तो फार्म हाउस में तो बिजनेस किसका है, ये देख लो, ये चिकन, ठीक है जी, कॉक है, हेन है, हॉर्सेस है, करेक्ट, ये चेक हो गया, हेन है, हॉर्स है, शीप है, काउ है, बफेलो है, ये सब क्या है, ये फार्म एनिमल्स है, ठीक है। इनको खरीदा बेचा जाता है, ये भी एसेट है भाई। एक हॉर्स को अगर खरीदना है और उसे रेस में लगाना है तो उस हॉर्स पर भी तो पैसा लगाना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट, वो एसेट है। लेकिन उसे लाइव स्टॉक कहा जा रहा है क्योंकि वो जीवित है, उन्हें भी तो खरीदा बेचा जा रहा है, लेकिन है वो क्या, एसेट। तो जब हमने एसेट्स की इतने सारी एग्जांपल्स की स्टडी कर ली है, तो उस पूरे के पूरे एग्जांपल से क्यों ना एसेट की डेफिनेशन बना ली जाए।
आइए देखें, मजा आएगा बिल्कुल. सो इन जनरल एसेट्स इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, बताइए. जितनी चीजें हमने देखी सबकी अपनी वैल्यू थी. और अ रिसोर्स ऑफ वैल्यू, या कोई ऐसा रिसोर्स है जिसकी वैल्यू है, जिसे एक्सचेंज भी किया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है. माय डियर फ्रेंड्स, तो कोई वो चीज जिसकी वैल्यू हो, या रिसोर्स ऑफ वैल्यू यानी जिससे वैल्यू डिराइव होती हो, जिसे एक्सचेंज किया जा सके, बेचा जा सके, ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये सब एसेट्स हैं. एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस. इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी जिनको पैसे से खरीदा बेचा जा सके. ओन्ड यानी जिस पर बिजनेस का मालिकाना हक है. क्या वर्ड्स बोले मैंने? जिस पर बिजनेस का, विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस. अब आप सोचिए कि आपका मालिकाना हक किस पर है. घर के हिसाब से भी सोच लो. कोई घर आपका है, वहां उसमें वॉशिंग मशीन रखी है, एसी रखा है, आपकी एक बाइक है, स्कूटर है, कार है, ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये सब इकोनॉमिक रिसोर्सेज है. पैसे से खरीदे गए, बेचोगे तो भी पैसा मिलेगा, यूज करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, और ये ओन्ड बाय यू है. लेकिन अगर यही चीजें ओन्ड बाय बिजनेस हो तो वो बिजनेस का एसेट हो गया, करेक्ट और नॉट? तो वो इकोनॉमिक रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय बिजनेस, और बिजनेस इन्हीं से तो पैसा कमाता है. सो एसेट्स इनेबल द बिजनेस टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर. आज अगर आपने बिल्डिंग खरीदी, आज अगर आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री खरीद ली थी, तो क्या उसका बेनिफिट आज ही मिल जाएगा? नो. उस फैक्ट्री में साल दर साल न जाने कितनी प्रोडक्शन होगी. वो बिल्डिंग जो ऑफिस आपने के आपने अपने ऑफिस के लिए लिए, वहां पर न जाने कितने सालों के लोग काम करेंगे. भाई वो भी क्या है? आपका एसेट है. आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कमाई कर सकते हो, करेक्ट और नॉट? एसेट्स जब भी आपने लिए, खरीदे, उसे अपना बनाया, तो भैया फ्री में थोड़ी आए, कुछ पैसा भी देना पड़ा. वो जो पैसा देना पड़ा वो मेजर किया आपने, मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी कॉस्ट. आप कहते हो जी यार ये मशीन तो मेरी ना 1,00,000 रुपए की आई थी, यार ये वाला व्हीकल, ये जो मैंने ट्रक लिया ना भाई, ये तो 75,00,000 रुपए का आया था. तो आप क्या बता रहे हो? उसकी मॉनिटरी वैल्यू बता रहे हो, मॉनिटरी कॉस्ट बता रहे हो कि मेरी जेब से भैया इतना चला गया इसको खरीदने के लिए. वही उस एसेट का अमाउंट है. तो एसेट्स है क्या? एसेट्स है प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स. अच्छा, अरे प्रॉपर्टीज की एग्जाम्पल क्या सर आपने कराई? यस, फैक्ट्री, फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीनें, व्हीकल्स, राइट, कंप्यूटर, ये सब क्या थे? ये सारी प्रॉपर्टीज थी, ये सब प्रॉपर्टीज थी. वो वेइंग मशीन सब प्रॉपर्टीज है. लेकिन इसी के साथ साथ आपका उन चीजों पर लीगल राइट भी है. आपने अपने नाम से खरीदी है बिजनेस के नाम से, तो बिजनेस ओनर कहलाता है उसका. उसके अलावा वो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब भी तो लीगलिटी दिखा रहे हैं. वो लीगली आपके अधिकार हैं उन पर. तो बिजनेस अपनी इन प्रॉपर्टीज का, बिजनेस अपने इन लीगल राइट्स का जब यूज करके, अपने ऑपरेशंस में यूज करके पैसा कमाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि हाँ देख लो इस एसेट से कमाई हो रही है, क्योंकि वो हमें हमारे ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं, करेक्ट? तो एक व्यक्ति है जिसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उसने 50 ट्रक खरीदे हुए हैं, तो उसके बिजनेस का ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन है, उसके ऑपरेशन में वो ट्रक हेल्प कर रहे हैं, करेक्ट? मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो डिलीवरी का काम करती है, ठीक है, जोमैटो मान लो. उसने क्या बोला जी कि हम ना अपने भी व्हीकल खरीदेंगे जी, अपने भी खरीदेंगे हम. नॉर्मली क्या होता है, वो कहते हैं जी आप अपना ही व्हीकल लेके आओ, कोई भी काम करने जाता है वहां तो. और वो कहते हैं जी हम उसका पेट्रोल का पैसा दे देंगे. लेकिन मान लो वो कंपनी अपने ही व्हीकल खरीद लेती है, 2-व्हीलर खरीद लो जी, 1,000-10,000 2-व्हीलर खरीद लो पूरे इंडिया में चलाने के लिए, तो वो उनके लिए एसेट हो गया, वो अपने ऑपरेशन में काम आ रहा है. किसी ने कंप्यूटर खरीद लिया, वो उसके ऑपरेशन में काम आ रहा है. तो जो भी एसेट आपने खरीदा और वो आपके ऑपरेशन में काम आए, आपको पैसा कमाने में मदद करे, उस पर आपका लीगल राइट हो, वो सारे के सारे एसेट कहलाते हैं. सो अब हम जब इन सारी बातों को इकट्ठा कर देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, इन जनरल व्हाट इज, हाउ वुड यू डिफाइन एसेट? एसेट इज एन एनीथिंग ऑफ वैल्यू और अ रिसोर्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड, जिसको खरीदा बेचा जा सकता है. एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, जिस पर बिजनेस का मालिकाना हक है. एसेट्स इनेबल द बिजनेस टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर. फ्यूचर में बेनिफिट्स अर्न करने में इससे मदद मिलती है.
दीज आर एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, पैसा जाता है भैया, मॉनेटरी कॉस्ट जाती है वो नजर आती है. दीज आर प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस. माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए. अब एक बात सोचो, वो बात ये है कि हमने तो एसेट्स की डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ ली, लेकिन ये एसेट्स भी तो कई तरीके के हो सकते हैं. बोलो यस और नो. इन एसेट्स को ही अगर मैं कहूं कि मल्टीपल तरीके से आप जरा डिवाइड कर दीजिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अगर इसी को अलग तरीके से दिखाना है तो एसेट्स हमारे पास कुछ एसेट के टाइप की अगर मैं बात करूं और लिख दूं टाइप्स ऑफ एसेट्स, हैं तो सारे एसेट लेकिन इनका डिवीजन कर दो, इन्हीं के टाइप्स बना दो, कैटेगराइजेशन कर दो, तो मैं यहां पर उन एसेट्स का अब कैटेगराइजेशन करने वाला हूं कि वो कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं. और कैटेगरी अलग अलग तरीके की हो सकती है, उसका नेचर हमें नजर आएगा, तो हम अब इसे देखने वाले हैं. एसेट्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स, उसकी मल्टीपल कैटेगरीज, ये हमें यहां पर देखने को मिलेंगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एसेट्स में ही एक तो होते हैं जी करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स. अब ये दोनों क्या चीज है जी, एक हो गया नॉन करंट एसेट और एक हो गया करंट एसेट्स, ठीक है ना. तो सबसे पहला काम जो हमारा हुआ वो यही हुआ कि भैया बताओ कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट भला ये क्या चीजें हैं. आइए देखें. तो माय डियर फ्रेंड्स, एसेट्स का बेनिफिट हमें मिलता है, ये पक्की बात है, लेकिन जिन एसेट्स का बेनिफिट बिजनेस को एक साल के अंदर अंदर मिल जाए उसको करंट एसेट कहते हैं, और जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिलता रहे, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा, जैसे कि 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल मिल रहा है, तो वो नॉन करंट एसेट हो गए. तो अगर उस एसेट का बेनिफिट मुझे एक ही साल के अंदर अंदर मिल गया, उसका बेनिफिट मैंने एक ही साल में डिराइव कर लिया, माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरे लिए करंट एसेट है. जैसे कि मान लिया जाए कि हमारा फर्नीचर का काम है. अब फर्नीचर का काम है तो हमें लकड़ी चाहिए, हमने लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स मंगा लिए. लाओ जी लाओ, लकड़ी लेकर आओ, लकड़ियां मंगा ली. अब लेबर को लगा दिया, चलो भाई सबसे पहले ये तो गोल लकड़ी है, इसको आरा जो सौ होता है आरा मशीन पर ले जाओ और जरा इसके प्लेन जो है बिल्कुल लकड़ी प्लेन बना लो, ताकि कटिंग के बाद ये फर्नीचर के काम आ सके. भाई ऐसे मोटे मोटे लॉग से तो फर्नीचर बनेगा नहीं. तो उसी लकड़ी को काटा गया, उसके इस तरह से हमने पीसेस कर लिए, ये बन गया हमारा एक स्टेप. लेकिन क्या ये बेचने के लिए आपने ये बेचने के लिए काम किया? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल रॉ मटेरियल था, लेकिन ये है आपका वर्क इन प्रोग्रेस. फर्नीचर बनने की तैयारी हो रही है, फिनिश्ड गुड्स अभी आई नहीं, ये सेमी फिनिश्ड है. इसे क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स. लेकिन अगर इसी लकड़ी का यूज करके मैंने अगर ये फर्नीचर बना लिया तो ये मेरी बन गई फिनिश्ड गुड्स की कहानी. मेरा काम लकड़ी खरीद के लकड़ी के वो पीसेस करके बेचना नहीं है, मेरा काम है भैया मैं पूरा फर्नीचर तैयार करके बेचूं, ये है मेरी फिनिश्ड गुड्स. समझे मेरी बात के नहीं? तो मेरा काम क्या है पूरे साल में? रॉ मटेरियल खरीदना, उसे फटाफट से सेमी फिनिश्ड गुड्स में पहले कन्वर्ट करना, फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, और उसके बाद उसकी सेल कर देना. वेरी वेरी सिंपल. इसी से तो मैंने अपनी कमाई करनी है, यही तो मेरा ऑपरेशन है. जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, हर बिजनेस का अपना अलग ऑपरेशन होता है. जैसे कि पिज्जा डिलीवरी वालों का अपना अलग ऑपरेशन है, कार बनाने वालों के अलग ऑपरेशंस है. हम आपको पढ़ा रहे हैं भैया, ये वीडियोस बना रहे हैं, इनका ऑपरेशन अलग है. तो रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स में, फिर फिनिश्ड गुड्स में इनको बेचा जाएगा. ये सारे के सारे, एक बात बताइए
कि अगर कोई भी बिजनेस, जैसे कि फर्नीचर का ये बिजनेस है, तो क्या फर्नीचर बना के मैं सालों साल अपने पास रख लूं कि चलो भी अपने पास रख लो, इसे गोडाउन में भर के रखो भाई। क्या मैं गोडाउन में भर के रखने के लिए बना रहा हूं इसे? नो, मैं तो कह रहा हूं भाई जल्दी बनाओ और जल्दी बेचो, क्योंकि कम में बनाएंगे ज्यादा में बेचेंगे, प्रॉफिट भी तो तभी होगा। तो क्या मैं इसे एक साल से ज्यादा अपने पास रखने के लिए इच्छुक हूं? क्या कोई भी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी, या कुछ भी बनाने वाली कंपनी, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, या पेन्स बनाने वाली कंपनी, मोबाइल्स बनाने वाली कंपनी, कुछ भी बनाने वाली कंपनी, क्या वो एक साल से ज्यादा तक अपने पास ये सामान, ये स्टॉक रखना चाहेगी? नो, वो कहेंगे अरे बनाया बेचो फटाफट भैया, बेचने के लिए तो बनाया, इसी से तो हमारी कमाई है, यही तो हमारा मेन ऑपरेशन है, तो ये फटाफट बेचा जाएगा, ये भी हमारा एसेट है। लेकिन इस एसेट का बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, एक साल से ज्यादा का नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है करंट एसेट। तो करंट एसेट इसीलिए क्या, कि बेच के फटाफट से कैश में कन्वर्ट करो। तो जिस चीज को हमने बेचकर फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर लिया, माय डियर फ्रेंड्स, वही तो क्या थी, करंट एसेट थी। और अगर वो कैश ही हमारे हाथ में, तो वो भी क्या है, करंट एसेट है, ये भी तो कैश, भी तो एसेट ही है। और अगर मैं उसे बैंक में जमा करा दूं, तो भी मैंने बैंक से लेना है, लेना है तो एसेट, मैंने बताया था, याद कर लो इस बात को, लेना है तो एसेट। और कैश हमारा बैंक में जमा है, वो भी तो हमारा ही है, ये अपने आप में ही एसेट है, करंट एसेट है। तो जो चीज एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर ली जाती है, वो करंट एसेट है। जो कैश हमारे पास है ही, जो बैंक में पैसा पड़ा, वो तो कैश का रूप ही है, तो वो तो करंट एसेट हो गई होगा। सो करंट एसेट्स आर दोज, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इन टू कैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसका मेन मकसद, जिसका मेन मोटिव यही होगा कि हम उसे फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर ले, यही हमारे करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स को हमने करना क्या था भाई, हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए रखा है, उसे कंज्यूम करने के लिए रखा है। कंज्यूम सर, कंज्यूम कैसे, माय डियर फ्रेंड्स, जब उस लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया, तो उसका कंजम्पशन ही तो हो गया, विद इन 1 ईयर हमने उसको कंज्यूम कर लेना है, विद इन 1 ईयर हम उसे कन्वर्ट करके बेचेंगे, तो इसीलिए वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो रॉ मटेरियल जो है वो हमारा करंट एसेट कहलाएगा। तो हम इन एसेट को अपने पास यूज और कंज्यूम करने के लिए रखते हैं, वो भी विद इन 1 ईयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो करंट एसेट्स ये आपको क्या एक साल से ज्यादा का बेनिफिट देंगे, ज्यादा में बेनिफिट देंगे? नो, इनका हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई 4 साल में बेनिफिट आ जाए, कि हम ऐसा सोचेंगे कि मेरा फर्नीचर 4 साल बाद बिक जाए। नो, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन क्या है, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन ये है कि कल का बिकता आज बिक जाए। करंट एसेट जो हमारे हैं, जिसको हम अपनी डील कर रहे हैं, जो चीजें बना रहे हैं, वो कल की बिकती आज बिक जाए। हम तो कहते हैं भैया बनाने से पहले ही हमारे पास ऑर्डर हो, तो उनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिल जाता है, क्योंकि उसको रखा ही उतने टाइम के लिए है। दैट इज वाई दीज आर नोन एज करंट एसेट्स। सो प्राइमरी पर्पस क्या हो गया भाई इन चीजों का, इन करंट एसेट्स का जो प्राइमरी पर्पस हो गया, वो होगा ट्रेड करना। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना बेचना, या बनाना और बेचना। तो मेन पर्पस इन सारे के सारे करंट एसेट्स को रखने का क्या है, इन करंट एसेट को रखने का मेन पर्पस है भैया ट्रेड करना, परचेज करना और सेल कर देना, इसी को ट्रेड बोलते हैं, या प्रोड्यूस करके सेल कर देना। एक तो यह है कि आपने बना बनाया माल बाहर से खरीदा, परचेज किया और बेच दिया, ट्रेड हो गया, या फिर आपने पहले प्रोड्यूस किया फिर बेचा, करंट एसेट का यही पर्पस है। तो अब करंट एसेट की जो जो बातें हमने सारी की सारी सीखी, आइए जरा देख लेते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। हम उसे कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। दीज आर द एसेट्स विच आर केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग और कंज्यूमिंग विद इन 1 ईयर। ये भी बात हमारी हो गई। बेनिफिट ऑफ करंट एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। प्राइमरी पर्पस ऑफ करंट एसेट्स इज टू ट्रेड, माई डियर फ्रेंड्स। ये सारी की सारी हमारी बातें हमने पूरी अच्छी तरह से सीख ली। तो
ये सारे करंट एसेट थे, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे कहलाए क्या? ये सब करंट एसेट्स कहलाए, से यस और नो? तो जो भी हमारा स्टॉक है साल के अंत में अगर बच गया तो हम उसे करंट एसेट मानेंगे, साल के बीच में तो ट्रेड ही कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो साल के अंत में जरूरी तो है नहीं कि हमने जितना खरीदा उतना बेच ही दिया, या जितना हमने प्रोडक्शन की जितना बनाया उतना बिकी गया। तो जितना बिक गया उससे तो रेवेन्यू आ जाएगा, माल बिकने से पैसा आ जाएगा, लेकिन जो साल के अंत में बनाया था इस साल में मगर बिका नहीं, अनसोल्ड रह गया, माय डियर फ्रेंड्स, हम उसे स्टॉक कहते हैं। तो साल के अंत में इज इट नेसेसरी कि जो भी हमारे पास बचे वो सारा का सारा रॉ मटेरियल हो? नो। इज इट नेसेसरी कि वो सारा का सारा सेमी फिनिश्ड गुड्स हो? नो, फिनिश्ड गुड्स भी तो हो सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारा का सारा स्टॉक जो है रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो, वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है कैश इन हैंड, फिर आता है कैश एट बैंक। ये चीजें मैंने आपको करवा दी, लेकिन डेटर्स क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे बाद में। हम डेटर्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एसेट को पढ़ रहे हैं वैसे ही सारी टर्म्स को पढ़ेंगे। एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, एक्सपेंस एंड लॉसेस, कैपिटल, ये पांच एलिमेंट्स हैं। इन पांच एलिमेंट्स के बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनमें डेटर भी आएगा, बिल रिसीवेबल भी आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस भी आएगा। फिलहाल के लिए आप केवल इसके नाम याद कर लीजिए, आने वाली क्लासेस में आपको ये जल्द ही इससे सारी की सारी डिटेल पता लगेगी। अब आती है बात नॉन करंट एसेट की। तो भाई जो करंट एसेट्स में आपने देखा, नॉन करंट एसेट में उल्टा कर दो, उसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो नॉन करंट है। यानी वो कहता जी एक साल के अंदर अंदर, तो ये कहता जी एक साल से ज्यादा। कोई भी ऐसा एसेट जो आपने एक साल से ज्यादा के लिए लिया है, एक साल में उसे बेचोगे नहीं, उसका मेन पर्पस ट्रेड करना नहीं है, वो सारे नॉन करंट एसेट है। जैसे कि क्या फैक्ट्री को एक साल में बेच देते हो? क्या मशीनें खरीद के एक साल में बेच देते हो? क्या ट्रक खरीद के एक साल में बेच देते हो? नो। कंप्यूटर खरीद के अभी बेच दोगे एक साल में? नो। हमारा मेन पर्पस ट्रेड करना नहीं है भैया, इनको यूज करना है अपने बिजनेस में। तो शुरू से लेके एंड तक जितने एग्जाम्पल दिए हैं उनमें एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल, मशीन का एग्जाम्पल, ये मल्टीपल अदर मशीन्स का एग्जाम्पल, कन्वेयर बेल्ट हो गई, ठीक है, रोबोटिक मशीन्स हो गई, ये व्हीकल्स हो गए, वेयर हाउस की बिल्डिंग हो गई, ये टूल्स हो गए, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हो गई, क्या इनको बेचने के लिए लिया है क्या भाई हमने? नो। हम इसे अपने ऑपरेशंस में यूज करेंगे, इसलिए लिया हमने ये। लेकिन जैसे ही आपने कहा जी हमने तो इसे यूज करना है, हमने इसे बेचना ही नहीं है, यानी ट्रेड नहीं करना, ठीक है भैया, फिर करंट एसेट नहीं है ये नॉन करंट एसेट है। तो करंट में और नॉन करंट में डिवीजन पता लग गया, दैट मींस ऑल दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स, दे आर नॉन करंट एसेट, वेरी सिंपल। तो इसका मेन बिजनेस ट्रेड करना नहीं है, मेन पर्पस इसका, मेन मकसद है हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना ही हमारा मकसद है। क्या ये बात सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई? माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमने इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा, हम तो इसे अपने बिजनेस में मल्टीपल इयर्स तक यूज करने वाले हैं, इसीलिए इसे नॉन करंट एसेट बोला जाएगा, एक साल से ज्यादा। सो नॉन करंट एसेट्स आर दी एसेट्स विच आर नॉट द करंट एसेट्स। दीज आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, ट्रेड करने के लिए नहीं लिया हमने। दीज एसेट्स नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, और हमने इसे रीसेल के लिए नहीं लिया है। ये सब नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन हो गई। यानी हमने जब नॉन करंट की बात की तो पहली चीज जो आई, वो जो सब चीजें नजर आई, वो अभी तक जो हमने देखी वो सब फिक्स्ड एसेट थी। ये सब फिक्स एसेट थे, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट भी मशीनरी भी, ये सारी रोबोटिक मशीन्स, कन्वेयर बेल्ट, ये सब क्या है? ये सब फिक्स्ड एसेट है।
ये बिल्डिंग ऑफ वेयर हाउस, ये व्हीकल, ये फोकलिफ्ट, ये टूल्स, ये फिक्स एंड फिटिंग्स, ये सब क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है। नॉन करंट के भी दो पार्ट्स है। ये जितने मैंने एग्जांपल्स आपको दिए सब फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स है। लेकिन मान लो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, उन्होंने कहा भाई ऐसा है इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो। जब तक हमारे पास अपने बिजनेस में कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तब तक क्या इस कैश को कैश के रूप में ही रखा जाए? कैश तो बढ़ता चला जा रहा है, तो हम क्या करें इसका? कंपनी ने कहा ठीक है भाई, जब तक हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, एक काम करो इस कंपनी के शेयर ले लो। जैसे कि एक काम करो, क्या कितने पैसे फालतू है? जी बस 10 करोड़ ही फालतू। अच्छा 10 करोड़ बस होता है? चल भाई चल जाओ, एक काम करो कुछ शेयर्स रिलायंस के ले लो भाई, कुछ टाटा के शेयर्स ले लो, इसमें इन्वेस्ट कर दो। इन शेयर्स से हमारे पास रिटर्न आता रहेगा, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, हमारा इसके अंदर स्टेक हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो हमने इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। उसी तरह से अगर इन कंपनी के शेयर्स की जगह डिबेंचर्स में इशू करते हैं, शेयर डिबेंचर आने वाले समय में हम बातचीत और करेंगे। शेयर्स तो सबने सुने होंगे, कंपनी के जो पूरी कैपिटल होती है उस कैपिटल को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उस एक टुकड़े को शेयर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, उस 1 करोड़ रुपए को 10 रुपए के कई टुकड़ों में बांट दिया, कितने हो गए जी? 10 लाख टुकड़े हो गए। और आपने मान लीजिए उसमें से 1000 टुकड़े ले लिए, 1000 शेयर ले लिए, 1000 पीसेस ले लिए, उस बिजनेस का एक पीस खरीद लिया आपने। जी मेरे पास 1000 शेयर है, एक कितने का जी? 10 रुपए का, यानी 1000 × 10 आपने 10000 रुपए लगाए हुए। ये आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, ये भी आपके नॉन करंट एसेट ही हैं, इनको आप एकदम खरीद कर बेचने वाले नहीं हो, राइट? आने वाले समय में इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी बात होगी, फिलहाल के लिए एक ही एग्जांपल बहुत है। डिबेंचर को हम बाद में सीखेंगे, बॉन्ड्स को हम बाद में सीखेंगे, वो एक तरह से लॉन्ग टर्म हमने किसी को लोन दे दिया, ये मान लो आप। फिलहाल उस चीज को ब्रेक लगाते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया शेयर्स का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो इनमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे जी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, और कंप्यूटर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। अब आप कहोगे हैं सर ये क्या, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमारा कोई एसेट है? यस, एसेट ही तो था, इसी ने तो आपको कमाई करवा के दी थी, इसी पर तो आपका कॉपीराइट था। तो न सिर्फ कंप्यूटर जो कि दिख रहा है, उसके अंदर की जो आत्मा है वो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं दे रहा कि क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो उसे चला रहा है, तो दोनों ही एसेट है। फिर क्या आ गया जी? मोटर व्हीकल आ गया, ट्रेडमार्क्स आ गए, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट राइट्स आ गए, लोन्स एडवांस्ड आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, ठीक है ना? तो ये सारे हमारे एसेट के एग्जांपल हैं, इनके बारे में और भी चर्चा होगी, अभी बस एक एक चीज को सुनिए ध्यान से और समझिए कि एसेट्स को हमने कैसे डिवाइड किया। यानी पहला काम हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया दोस्तों, जब हमने कहा क्या, जब हमने ये शब्द कहे कि एसेट्स का जो हमने डिवीजन करना शुरू किया उसमें सबसे पहला नाम आया करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स का। अच्छा अब जो दूसरा नाम आने वाला है वो सुनिए क्या है जी, दूसरा नाम है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट तो वही है, एसेट वही है, एसेट में कोई चेंज नहीं है, जितने एसेट मैंने आपको पहले लिखवा दिए उतने ही हैं, उनमें चेंजेस की बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन ये टेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी। तो बताओ ये इस बात को कि भाई इनटेंजिबल एसेट क्या चीज है जी? इनटेंजिबल जो नहीं दिखता और टेंजिबल जो दिखाई देता है, टेंजिबल जो जिसे देख सके छू सके वो सब टेंजिबल है। बताइए जरा मुझे, क्या इस बिल्डिंग को
छू सकते हो, मतलब कोई भी बिल्डिंग होगी उसको छू सकते हो कि नहीं? बिल्कुल छू सकते हैं जी, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये एक टेंजिबल एसेट है। लेकिन क्या कॉपीराइट को छू सकते हो? कॉपीराइट के पेपर को तो छू सकते हो, लेकिन कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल यानी गुड रेपुटेशन इन द बिजनेस, क्या उसे छू सकते हो? नो, वो इनटेंजिबल है। तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स में अब हम इन सारे एसेट्स को डिवाइड करेंगे। एसेट के एग्जाम्पल में पहले दे चुका हूं, उन्हीं में से हमने कुछ को करंट बोल दिया, कुछ को नॉन करंट बोल दिया। वो एक नजरिया था उन एसेट्स को देखने का। अब उसी टोटल एसेट को हम और कैसे कैटेगराइज बना कर सकते हैं? हम उन्हें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हमने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के साथ साथ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिखा हुआ था, फर्नीचर भी लिखा हुआ था। अरे उस टाइम तो दोनों थे, वो दोनों ही नॉन करंट थे भाई, वो दोनों ही नॉन करंट थे। लेकिन अब जब मैं टेंजिबल किसे देख सकता हूं, छू सकता हूं, या किसे देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ऐसे डिविजन करना हो तो भैया दोनों अलग अलग कैटेगरी बन जाएगी। तो वही एसेट अगर इस थॉट के साथ में देखूं तो मैं बिल्डिंग को भी छू सकता हूं, मशीनरी को भी छू सकता हूं, वेयरहाउस की बिल्डिंग को भी छू सकता हूं, व्हीकल को भी छू सकता हूं, फोकलिफ्ट को भी छू सकता हूं, कैश को भी छू सकता हूं, बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं उसको भी छू सकता हूं, इस फर्नीचर को भी छू सकता हूं, अरे ये स्टॉक था मेरे फिनिश गुड्स से, इसको भी छू सकता हूं, जिनको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, ये सब मेरे क्या बन गए? ये बन गए टेंजिबल एसेट्स। लेकिन जिनको नहीं देख सकता, छू नहीं सकता, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है? ये इनटेंजिबल हो गए, लेकिन है एसेट, यानी उसी ग्रुप ऑफ एसेट का दूसरा क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास में आप कैसे डिवीजन कर सकते हैं जी? हाँ जी बताओ जी, कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं? एक डिवीजन तो ये हो गया, ठीक है कि नहीं? 10वीं क्लास है, 10th क्लास के अंदर बताइए कितने बॉयज है, कितनी गर्ल्स हैं, उन्हीं बॉयज और गर्ल्स का डिवीजन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, कितने बॉयज और गर्ल्स अब नहीं बोल रहे, अब बोल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। किन स्टूडेंट्स की हाइट 5 फीट से ज्यादा है, किन स्टूडेंट्स की हाइट 5 फीट से कम है? आधे स्टूडेंट कुछ इधर हो गए, आधे इधर हो गए। अरे फिर से एक नया है, तो वही क्लास है, तो वही बच्चे, लेकिन उनको अलग तरीके से कैटेगराइज करने का हमने वहां पर एक क्या बना दिया, एक कैटेगराइजेशन का तरीका बना दिया। हाँ जी बताओ जी, कितने बच्चों का वेट 50 किलो से ज्यादा है या 50 किलो से कम है? कितने बच्चे दिल्ली से ही हैं और कितने दिल्ली से बाहर से आए हैं? यानी आप डिवीजन कोई भी बना सकते हैं। सो इसी तरह से हमने बना दिया टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। एसेट वही है जैसे बच्चे वही हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज करने का तरीका अलग है। ये भी एसेट्स वही है, कैटेगराइज करने का तरीका अलग है। तो टेंजिबल एसेट्स ये कौन से हो गए जी? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट है जो कि फिजिकली देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दे कैन बी सीन एंड टच्ड। आग लगेगी भैया तो जलेंगे भी, और इनकी इसी कारण से इंश्योरेंस भी कराई जा सकती है, दे आर इंश्योरेबल। इनको गिरवी रखकर आसानी से लोन लिया जा सकता है, इजीली लिखा है शब्द। तो एग्जाम्पल आपने देख लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, ये सब क्या है? ये सब ऐसे टेंजिबल एसेट हैं जो कि दिख रहे हैं भाई, आसानी से इनको गिरवी रख के लोन लिया जा सकता है। लेकिन इनटेंजिबल का मतलब जिसे देख ना सके, छू ना सके, जैसे कि ये कॉपीराइट है तो सही डिजाइन, ये ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो जो पेटेंट है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी को नहीं छू सकते, लेकिन उससे बने हुए प्रोडक्ट को छू रहे हो आप, बट टेक्नोलॉजी को तो नहीं छू रहे ना, उसका जिसका पेटेंट लिया है वो इंटेंजिबल है। कंप्यूटर को छू सकते हो, कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्टवेयर को तो नहीं छू सकते, वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल है। शरीर को छू सकते हो, आत्मा को तो नहीं छू सकते। उसी तरह से ट्रेडमार्क की बात बताई, कॉपीराइट की बात बताई, और सभी से बढ़िया चीज निकल आई सामने जिसे नहीं छू सकते, वो है आपकी रेपुटेशन इन द मार्केट। आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस की एक समोसे की दुकान बड़ी मशहूर है भाई, बोलो यस और नो? बच्चा बच्चा जानता है घर का, समोसे लाने, अच्छा मेहमान आए, जा भाई समोसे ले आ।
बोलने की जरूरत नहीं है भाई कि कौन से समोसे की दुकान पे जाना है। पांचवी में पढ़ता हुआ बच्चा भी जानता है, हाँ जी इनके समोसे। आप सबके शहर में भाई अलग अलग समोसे की दुकानें मशहूर हैं, हर एक क्या मशहूर, कोई ना कोई मशहूर दुकानें तो होती हैं, तो आप सोच लो। अच्छा बार बार उसके पास क्यों जा रहे हैं भाई? उसके समोसे बड़े स्वाद होते हैं जी, इसीलिए उसके पास जाते हैं। यानी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो कस्टमर बार बार जाता है, और बार बार जाने से उसकी गुडविल बन जाती है, गुड रेपुटेशन बन जाती है। दिखाई नहीं दे रही लेकिन वही रेपुटेशन, वही गुड नेम इन द मार्केट उसको ज्यादा पैसा कमाने में मदद करता है। और अगर ऐसा होता है, ज्यादा पैसा कमाने में मदद करता है, तो भैया इसका मतलब वही उसके लिए एसेट बन गया। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा किसी को, तो गुडविल है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, गुडविल रेपुटेशन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको, यार मैं क्या करूं, मैं बढ़िया सी समोसे की दुकान चलाना चाहता हूं लेकिन मुझे समोसे, मैं इतने बढ़िया तो अभी नहीं बनाता, तो मैं क्या करूं? भाई तुम नहीं बना सकते, तुम खुद जनरेट नहीं कर सकते, तो किसी का चलता चलाया बिजनेस खरीद लो। हाँ जी, समोसे वाले को बोल दिया, अभी तुम्हारा सारा बिजनेस अब मेरा, ये लो पैसे। उसने कहा ठीक है, लाओ जी पैसे दो, आपके सारे नौकर वोकर सब यहीं रहेंगे, सब बिजनेस ऐसे चलेगा, सिर्फ मालिक जा रहा है, बाकी सारे नौकर वैसे ही बना रहे हैं। आप किसको क्या पता कौन मालिक कहाँ चेंज हुआ, मालिक ने पैसे लिए अपना बिजनेस लेके, बिजनेस के पैसे लेके चलता बना, मालिक बदल गया, कारीगर वही है, वही बना रहे हैं समोसे, उसी नाम से बिक रहा है, नाम भी खरीद लिया। समझे मेरी बात क्या? नहीं तो वो, आपने जब गुडविल के लिए पैसा दिया, उसका बिजनेस का, उसकी जो वैल्यू थी 10 लाख थी, आपने 12 लाख दे के रवाना कर दिया, वो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिए वो उसकी गुडविल के लिए दिए, उसके नाम के लिए दिए, तो इसे कहते हैं परचेज गुडविल। लेकिन उस व्यक्ति समोसे वाले ने वो जो गुडविल जनरेट की थी वो थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज देकर, अच्छी क्वालिटी देकर मार्केट में उसने अपना नाम बनाया था। ध्यान रखिए, इस तरह की गुडविल को हम कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन जैसे ही उसके बिजनेस को, समोसे वाले व्यक्ति के बिजनेस को खरीद लिया गया, उसके गुड नेम के, उसके रेपुटेशन के पैसे दे दिए गए, तो वो गुडविल हमने खरीद ली। अब ये परचेज गुडविल हो गई, दिस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। तो दो चीजें हैं, समोसे वाले ने अपनी गुडविल बनाई, वो दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन उसके नाम से, उसकी दुकान के नाम से लोग बहुत जाते थे। उसे कहो भाई क्या तुम अपनी गुडविल को रिकॉर्ड करोगे? नो, वो गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेगा, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर आपने उसका बिजनेस खरीद लिया, आपने तो उसके बदले में पैसे दे दिए, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर होगी। आई समझ में बात? उसकी रिकॉर्डिंग जरूर होगी, सो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो जो आपने कैश पे किया, एक्स्ट्रा पे किया, 10 लाख की वैल्यू के बदले में 12 लाख दे दिया, 11 लाख दे दिया, तो वो 10 लाख तो बिजनेस की वैल्यू थी, 1 लाख आपने एक्स्ट्रा दिया, वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया आपने वो गुडविल के लिए किया। वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने की है, ये वाली, ये गुडविल के लिए की है। तो जब आपने पेमेंट कर दी, इसलिए आपकी बुक्स में इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो इनटेंजिबल एसेट्स मेरे दोस्तों क्या हो गए, आगे आने वाले टाइम में इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, गुडविल के बड़े बड़े चैप्टर आएंगे भाई, टेंशन ना लो। छोटी छोटी चीजों को पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इनसे जुड़ के ही हमारा एक बड़ा सवाल बनेगा। इसीलिए एक एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूं। आपका बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, जिंदगी में पहले आपने अकाउंट्स पढ़ी या नहीं पढ़ी, डजन मैटर, एक एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से बताई जा रही है, इसे समझिए। आने वाले समय में यही क्लासेस आपको अच्छी तरह से अकाउंटिंग को सीखने में मदद करेंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी, ट्रेडमार्क की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। आप ये नहीं बोलोगे जी देखो ट्रेडमार्क का पेपर है। नो, वो पेपर में लिखा हुआ है भाई, आपका राइट है, लेकिन ट्रेडमार्क एज इट इज, ट्रेडमार्क को थोड़ी छू सकते हो। उसकी फोटो बना दो जी, ट्रेडमार्क है जी हमारा, ये तो डिजाइन हमारा, डिजाइन को छू रहे हो भाई, ट्रेडमार्क को नहीं। वो तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉन फिजिकल है, फिजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने में मदद करती है, ठीक है कि नहीं? गुडविल ज्यादा पैसा अर्न करने में मदद करती है, सीधी सीधी बात है।
अच्छा, अब आती है बात अगली कहानी की। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि क्लास वही है, बच्चे वही हैं, हम उनको अलग तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, बस कहानी यहां पर इतनी है। तो हमने पहला जो कैटेगराइजेशन किया वो कैटेगराइजेशन क्या था जी, आइए देख लेते हैं। हमने कैटेगराइजेशन किया था करंट एसेट, कि जी ये तो करंट एसेट है या ये नॉन करंट एसेट है। यही वर्ड्स बोले थे हमने, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। तो ये पहला हमारा डिवीजन था। फिर हमने जो दूसरा डिवीजन किया वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का किया। अब मैं तीसरे तरीके से डिवीजन करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते हैं, क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है या यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता है? ये सोचिए, कोई भी एसेट हो। तो जिन एसेट्स के अंदर यूज करने के बाद उनकी वैल्यू घट जाए उन्हें कहा जाता है डेप्रिशिएबल एसेट्स, यानी जिनकी मार्केट वैल्यू घटेगी भाई, यूज करने के साथ साथ उसकी वैल्यू घटेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट है जिनकी वैल्यू नहीं घटती, माय डियर फ्रेंड्स, उसे कहते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। यस, उनके बारे में अब चर्चा होगी। अब उनके बारे में चर्चा होगी जिनकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती भाई, इनकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती, यानी यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी, तो वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो जाएंगे। यानी फिर वही कहानी, वही है, सोच नहीं है, बच्चे वही हैं। अब उसको एक अलग तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। बताओ जी, बताओ कितने बच्चे अब 10th के बाद साइंस और कितने कॉमर्स और कितने आर्ट्स में जाना चाहते हैं? कैटेगराइजेशन हो गया, बच्चे तो वही हैं, यहां पर भी एसेट वही है, लेकिन कैटेगराइजेशन का तरीका बदला है। अब हम उन एसेट्स की बात करेंगे, एसेट की लिस्ट वही है। उन्हीं एसेट में से ऐसे कौन से हैं जो कि डेप्रिशिएबल है? यानी क्या कोई एसेट एक फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, मतलब नॉन करंट हो सकता है? यस। क्या वही एसेट टेंजिबल भी हो सकता है? यस। क्या वही डेप्रिशिएबल भी हो सकता है? यस यस। कैसे? आइए देखें। मैंने कहा एक नॉन करंट एसेट, मशीन एक नॉन करंट एसेट भी है, करंट एसेट नहीं है। पहला कैटेगराइजेशन, मशीन दिख सकती है, छू सकते हैं हम उसे, ये एक टेंजिबल एसेट भी है, और जब मशीन को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी रिड्यूस होती है, यानी ये एक डेप्रिशिएबल एसेट भी है। यानी एक ही एसेट को अलग अलग कैटेगरी में बनाया जा सकता है। तो एक एसेट नॉन करंट भी है, वही टेंजिबल भी है, वही डेप्रिशिएबल भी है। तो इसी तरीके से उस एसेट को अलग अलग क्लासेस में हमने बांट के यहां पर सीखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, कार खरीद के लाए, बेंटले खरीद ली आपने, जैसे ही खरीद के लाओगे ना, शोरूम से बाहर निकलते ही वैल्यू घट जाती है, शोरूम से निकलते ही वैल्यू टूट जाती है, यूज की तो बात ही अलग है। हालांकि किसी भी मशीन को जब आप यूज करते हैं, आपने मान लो इस मशीन को, मशीन ही तो है भी एक तरह से, आपने कहा चल भाई चलो जरा बेंटले को लगा दो काम पे, इसको कैब बना दो, एक लग्जूरियस लग्जूरियस लग्जरी देना चाह रहे हैं हम, लग्जूरियस कैब है ये। तो अब जो है इसकी सर्विसेज दी जाएंगी, आपने इसे 2-3 साल यूज कर लिया, क्या वैल्यू घटेगी नहीं? क्या क्या इसके एसेट्स, इस एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या यूज के कारण इसकी मशीनरी घिसेगी कि नहीं घिसेगी? यस। इसमें भी रिपेयर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी भाई, ऐसी थोड़ी है कि अगर महंगी गाड़ी ले ली तो उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। होगी। किसी भी मशीन को लो, उनकी यूज करने के कारण वो जो वैल्यू में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो वियर एंड टीयर, अब एक एक करके ध्यान से सुनना। अ डेप्रिशिएबल एसेट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा जो भी एसेट्स है ना उन्हीं पर डिप्रिसिएशन होगा। यानी अब आप कहोगे जी मैंने एक चीज खरीदी, तो आप सोचोगे अच्छा ये कार खरीदी है, ये कितने साल चलेगी जी? कितने खरीदी जी? बस 1 करोड़ की खरीदी। अच्छा कितने साल चलेगी ये? कोई 10 साल चलेगी। अच्छा 1 करोड़ 10 साल चलेगा, तो क्या करें, 10 साल में डिवाइड कर दो।
अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको एसेट को ले लोगे तो इसको वैल्यू घटेगी नहीं, जितनी वैल्यू आपको हर साल लग रहा है घट रही है उतनी वैल्यू को लॉस दिखा देते हैं, डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं, भैया लॉस हो गया उस चीज की, वियर एंड टीयर के कारण, टूट फूट के कारण वैल्यू घट गई। सो द वैल्यू ऑफ विच डिक्रीजेस ड्यू टू वॉट, ड्यू टू वियर एंड टीयर, यूज करने के कारण टूट फूट हो रही है, कब, व्हेन वी यूज, और ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम यानी समय बीत जाने पर जिसकी वैल्यू घट जाए। भाई आपने अगर कोई मशीन खरीदी और ऐसे की ऐसे रख दी ना, और 3 साल बाद आप बिल्कुल चमका रहे हो, उसे यूज नहीं किया आज तक, और फिर 3 साल बाद बेचोगे ना तो भी उसकी वैल्यू कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी भाई? ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम भी ऐसा होता है, समय बीत जाने से ही वैल्यू घट जाती है। ऐसे में आपको मैं एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दूंगा आने वाले समय में, जिसमें आपको ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम की बात बताई जाएगी। आने वाले समय में इस डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर होगा पूरा, वहां पर डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है कि नहीं? और एक और डेप्रिसिएशन किस कारण से होता है जी? डेप्रिसिएशन होता है किसी भी चीज के ऑब्सोलीट हो जाने के कारण, यानी वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। जैसे कि आपने एक चीज खरीदी, मशीन अभी खरीद के लाए थे, अब उससे कम अमाउंट में उससे ज्यादा बढ़िया मशीन मिल रही है उसी कंपनी की, उसने अपग्रेड कर दिया, अब आपकी जो मशीन थी आपने जो खरीदी थी अभी 2 महीने पहले उसकी वैल्यू एकदम गिर गई। क्यों? क्यों भाई? उससे एडवांस चीज कम पैसे में मिल रही है, तो इसकी वैल्यू कैसे ज्यादा रह सकती है? अचानक से उसका जो वैल्यू में रिडक्शन आया, दैट इज ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस यानी टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना, ये भी डेप्रिसिएशन है। तो जिस भी कारण से उसकी वैल्यू घटे वो डेप्रिसिएशन है। दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ परचेज को हम रिड्यूस कर देते हैं, घटा देते हैं, बांट देते हैं, हम उसे राइट ऑफ करना बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1 करोड़ की हमने कार ली, अच्छा जी 10 साल चलेगी तो क्या करें? 10 सालों में बांट दो, हर साल 10-10 लाख का खर्चा दिखा दो जी इसमें से। कार तो एक ही बार में खरीद ली, लेकिन उसमें हर साल 10 लाख की वैल्यू घटती जा रही है। क्यों? यूज के कारण, ओवर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दीज एसेट्स आर नोन एज डेप्रिशिएबल एसेट, जिन पर डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लैंड, लैंड की वैल्यू कभी नहीं घटती। अगर वही लैंड, माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल का है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर के लिए अब काम का नहीं रहा, अब उसको इंडस्ट्री के लिए यूज कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप इट इन माइंड कि लैंड क्योंकि सीमित है, लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब ये मत कहना जी जापानीज ने तो टेक्नोलॉजी सर यूज कर ली है, उन्होंने बहुत सारे सीमेंट, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारा लोहा अपने समंदर के पास लगा के उन्होंने अपना लैंड भी बढ़ा लिया है। बढ़ा लिया है, मान लिए बात, लेकिन उससे लैंड की वैल्यू घट नहीं जाती भाई, लैंड की वैल्यू बढ़नी है। तो जिस चीज की अबंडेंस हो जाए, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो और उसकी वैल्यू जो है टूट फूट के कारण घटे, हम उसे कहेंगे कि वो डेप्रिशिएबल है। लेकिन लैंड में डेप्रिसिएशन इसी कारण से होता ही नहीं है। उसी तरह से अगली चीज आती है जी, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मैंने बताया था, ठीक है कि नहीं? लाइव स्टॉक में भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी अभी डेप्रिसिएशन की जब हमने बात की तो हमने कहा हम उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज को, जितने में भी खरीदा, उसकी यूजफुल लाइफ के अंदर उसे बांट देते हैं। तो क्या आप लाइफ का पता लगा सकते हो कि ये घोड़ा कितने साल जिएगा? आपने घोड़ा खरीद तो लिया जी 2 लाख रुपए का, लेकिन आपको मालूम है कि 3 साल जिएगा कि 4 साल के 5 साल? क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसी वजह से लाइफ स्टॉक पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो ये लैंड हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, इन पर भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा। लाइकवाइज गुडविल इनटेंजिबल है जी, इस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं होता। हाँ, आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे राइट ऑफ किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है, बट ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। अब आपने कहा जी सर ए भी बढ़ा दिया, बी भी बढ़ा दिया, डी भी बढ़ा दिया, सी का रह गया। अब सी के लिए हम थोड़ी सी पहले कहानी समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या चीज है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस,
सो माय डियर फ्रेंड्स, मान लो एक बिल्डिंग बनानी है। अब जो बिल्डिंग है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनने में अभी 5 साल लग जाएंगे। तो अभी क्या बना जी, पहले साल में 10 लाख रुपया लगाया और ये 3 फ्लोर बने। दूसरे साल में फिर से 10 लाख रुपया लगाया, सेकेंड ईयर में फिर ये 3 फ्लोर बना लिए, तीसरे साल में फिर से 10 लाख लगा के ये फ्लोर बना लिए। अभी चल रही है भैया कहानी, बिल्डिंग बन रही है, बनी नहीं है। लेकिन 1 साल पूरा हो गया और आपसे पूछा जाएगा, अरे भाई बताओ क्या बिल्डिंग बन गई? आप होगी नहीं, बिल्डिंग बनी नहीं, बन रही है जी, वर्क इन प्रोग्रेस है, सेमी फिनिश्ड है। तो इसकी क्या पूरी वैल्यू मिल गई? क्या इसका यूज करना आपने शुरू कर दिया? तो जब तक एसेट क्रिएट कर रहे हो आप, वो पूरी तरह से यूज करने के काबिल नहीं बना, तब तक वो एसेट की कैटेगरी में नहीं आता। ऐसे एसेट की कैटेगरी में जिसे डेप्रिशिएट किया जा सके। हालांकि ये बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि कैपिटल नेचर का है, क्योंकि पैसा जब लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कि हमारा एक एसेट क्रिएट हो रहा है, लेकिन हुआ तो नहीं अभी। और जब तक कोई एसेट यूज करने के काबिल ना बन जाए, हम उस पर उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू बढ़नी है, अभी तो एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं है, तो डेप्रिशिएट कैसे करोगे? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन किन पर लगाया जाता है जी, सबसे पहले देखा जाता है जी उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है। कॉस्ट ऑफ परचेज ही नहीं पता हमें, कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये तो एक ही बात हो गई है ना। हमने बनवाई तो भी कॉस्ट गई, बनी बनाई खरीदी तो भी कॉस्ट गई, मगर कॉस्ट तो पता है। यहां तो कॉस्ट पता होगी तभी तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, अभी तो पता ही नहीं, अभी तो बन रही है जी। तो जब कॉस्ट ही नहीं पता तो डेप्रिसिएशन किस बात का? जब तक उसकी यूजफुल लाइफ ही आप अंदाजा नहीं लगा रहे, एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे, तो भाई उस पर डेप्रिसिएशन कैसा? इसीलिए डेप्रिसिएशन के ये दोनों पॉइंट जरूरी है माई डियर फ्रेंड्स। इसी कारणवश ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जब तक ये पूरी बिल्डिंग बन नहीं जाती, तब तक हम इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं और इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। सो आपने ये अब डेप्रिशिएबल एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के हिसाब से भी देख लिया। अब मेरे दोस्तों, जब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल आप करते गए, लेकिन जब 5वां साल हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ओनली आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड इट इज अवेलेबल फॉर यूज, दिस बिल्डिंग कैन बी यूज्ड, केवल और केवल तभी आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। हाँ, बिल्डिंग भी एक डेप्रिशिएबल एसेट है, मगर अभी बनी थोड़ी थी भाई पहले साल में, बन तो जाने दो, दूसरे तीसरे चौथे साल में बनी तो नहीं ना, बन तो जाने दो, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी बनी नहीं है। हमें ये मालूम है कि जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, जब हम इसे यूज करेंगे, तो यूज करने के कारण टीयर एंड वियर एंड टीयर होगा, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, नो डाउट अबाउट इट, तब डेप्रिसिएशन लगाते रहना, लेकिन पहले बनने तो दो। इसीलिए हमने जो वर्ड्स यूज किए वो वर्क इन प्रोग्रेस यूज किया, कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन जब वो पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तब वो एसेट तो यूज के काबिल हो गया। अब से यूज करना आपने अवेलेबल हो गई, अब डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करो, करेक्ट, उससे पहले नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहां पर तीन तरह की कैटेगराइजेशन कर लिया है। अब एक बड़ी गजब की चीज आने वाली है आपके सामने, क्या ये माइन नजर आ रही है? अगला काम शुरू हो गया हमारा, ये कोल माइन नजर आ रही है जी, कोयला निकाला जा रहा है यहां से, इंजीनियर्स को बुलाया जाएगा, बताओ जी कितने टन कोयला है इस जमीन के अंदर, और वो कंपनी जो कोल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है, इसमें से कोयला निकालेगी। अगली कहानी शुरू हो गई है, पिछले वाली कहानी खत्म हो गई, तीन तीन हमारे लेवल समाप्त हो गए, तीन कैटेगराइजेशन। पहला करंट नॉन करंट, दूसरा टेंजिबल इनटेंजिबल, तीसरा डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल, ठीक है, इन टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। अब ये देखो जी, ये कैसे एसेट है ये बताइए, जब कोयला सारा निकाल लिया जाएगा, ये एसेट किसी काम का बचेगा? वो भूमि किसी काम की नहीं बचती, इसे बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। क्या होते हैं वेस्टिंग एसेट? यानी जब आपने इस पूरे के पूरे लैंड में से, आपने इस पूरे के पूरे लैंड में से जो इस ओनर से लिया,
उससे लीज पर लिया कि भाई 1 करोड़ रुपए हम आपको देंगे और कोल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी इस पूरी माइन में से कोयला निकालेगी जी, तो एक्सट्रैक्ट करेगी सारे डिपॉजिट्स को जो है, कोल के डिपॉजिट्स को, सारा कोयला निकाल लिया जाएगा। मान लो 1 लाख टन कोयला निकल सकता है, ये हमारा इंजीनियर बोलता है। तो इस माइन में से जब वो निकल जाएगा, इसकी कीमत क्या बचेगी? इसकी कीमत बचेगी नहीं, इसकी कीमत कहाँ बचेगी? फिर कोयला तो निकल गया, कोयले के अलावा उसमें कुछ था नहीं जी। तो आप कहोगे जी कोयले के हिसाब से हमने आपको पेमेंट कर दी, अब इस एसेट को क्या बोलेंगे जी? हमारे लिए क्या था? वेस्टिंग एसेट, क्योंकि कोयला निकाल लेने के बाद हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। हमने कोयले के डिपॉजिट्स के लिए पैसा दिया है कोल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी ने, उस जमीन के लिए पैसा नहीं दिया। तो एसेट तो हमने खरीदा, लीज पर लिया और उसके अंदर से निकाला भी, एक्सट्रैक्ट भी किया कोयला, लेकिन अब वो हमारे लिए वेस्ट लैंड हो गया, वेस्टिंग एसेट हो गया। उसी तरह से ये गोल्ड निकाला जा रहा है, गोल्ड निकालने के बाद वो एसेट भी क्या हो गया? वेस्टिंग एसेट हो गया। ऑयल निकाला जा रहा है, हमने इसे खरीदा, हमने खरीदने के लिए पैसे दिए, लेकिन जितने ऑयल डिपॉजिट से निकालने के बाद बचा ही नहीं कुछ, ये भी वेस्टिंग एसेट कहलाता है। ये टिम्बर मान लो एक बहुत बड़ा जंगल का पार्ट है, जहां पर ऐसे हमने पेड़ उगा दिए जिसे जलाने के लिए ही, लकड़ी को जलाने के लिए ही हमने उन पेड़ों को उगाया। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो 1 साल में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और जलाने के लिए उसे उगाते हैं, हर साल उगाते हैं, तो वो टिम्बर है। जब वो टिम्बर काट लिया जाएगा उस एसेट को, हमारे लिए कोई कीमत नहीं। अब लैंड की कीमत अलग है, हमने तो टिम्बर की वैल्यू दी थी, हमारे लिए वो वेस्टिंग एसेट हो गया। अब तो जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात आएगी, जिसे हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल वेल्स हो गए, कोल माइंस हो गई, गोल्ड माइन हो गई, टिम्बर हो गया, माय डियर फ्रेंड्स ये सब वेस्टिंग एसेट है, क्योंकि उसके अंदर से वो कंटेंट निकाल लेने के बाद हमारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक नई कैटेगरी आपने सीख ली, इसे कहा जाता है वेस्टिंग एसेट, यानी देखा जाए तो हमने उसी में से वेस्टिंग एसेट की कैटेगरी निकाल ली, एक नई कैटेगरी, करेक्ट और नॉट? तो कहाँ चला गया, कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए हम। ये रहा जी, ये रहा वो पेज। तो एक और कैटेगरी हमने यहां से निकाली, हमने इसका नाम रख दिया जी वेस्टिंग एसेट्स। तरह तरह के नाम, तरह तरह के इनके काम बता रहा हूं आपको, अच्छी तरह से दिमाग में रख लो। और अब एक और चीज इसके बाद हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, ये लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात थी तो मैंने आपसे कहा था कि फिक्स एसेट के साथ मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो जो फिक्स एसेट के साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो नॉन करंट एसेट का ही पार्ट थी, और मैंने कहा था आपको इसके बारे में दोबारा से बताया जाएगा अभी आने वाले, अभी इस सेशन के पार्ट में। तो अब पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने सुना होगा, नहीं सुना तो यहां समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने अपने सॉवरेन, यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अपने गोल्ड बॉन्ड, जिसे बोलते हैं जी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये कहते हैं जी ऐसा है, आप गवर्नमेंट के पास ये पैसा जमा करो, गोल्ड बॉन्ड खरीदो हमारे, आप 1 ग्राम गोल्ड, उस समय की बात है ये 2021-22 की, आज तो महंगा हो गया, 4,777 रुपए में हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हम आपको 1 ग्राम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं जी, आप 4,777 रुपए हमारे पास जमा कीजिए, 4,777, उसकी बात है, उसके बाद भी ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यूज अपना मार्केट में इशू हुए, तो एक तरह से गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन ले लिया और आपसे कहा कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट को हमने किससे अटैच कर दिया? गोल्ड से। जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल, जितने साल के लिए भी हमने ये लिया है, जब हम आपको ये इसे देंगे पेमेंट, तो गोल्ड प्राइसेस के बराबर का पैसा आपको दिया जाएगा। अगर वैल्यू घटी मार्केट में तो भैया घटा हुआ पैसा मिलेगा, बढ़ेगी तो बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज का इंटरेस्ट भी देंगे हम। तो एक तरह से
गवर्नमेंट ने तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ बॉन्ड दे दिया, इसे बॉन्ड बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट ने आपसे लोन ले लिया। तो जिस व्यक्ति ने लोन दिया, गवर्नमेंट को लोन दिया, उस व्यक्ति ने तो पैसा लेना है, और लेना है तो एसेट। तो मान लो यही काम किसी बिजनेस ने कर दिया और उसने गवर्नमेंट के पास सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए, तो उसके लिए तो यही क्या हो गए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। जैसे कि मैंने कहा, उस कंपनी ने मान लीजिए रिलायंस या टाटा के शेयर्स या डिबेंचर में पैसा लगा दिया। डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का ही रूप है। आने वाले समय में डिबेंचर का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स और लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों लोन का ही रूप है। तो जब कंपनी ने किसी ने लोन, आपने अगर वो पैसा दिया तो आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपने वो पैसा लेना है, लेना है तो एसेट है। जिसने लिया उसने देनदारी है ना, उसकी देनदारी है ना, वो आपको देगा। उसकी तरफ छोड़ो, आप अपनी तरफ देखो। हमारे लिए क्या है, हमने उसके पास ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया और उसके बदले में हमें पैसा, इस पैसे पर रिटर्न मिलेगा, करेक्ट और नॉट? यही है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये एसेट्स की सारी कहानी जो पढ़ ली ना, ये गजब की कहानी थी। अच्छी तरह से इस वीडियो को दोबारा देखिए। जो जो मैंने आपको यहां पर करवाया, उन सब के नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ध्यान रखिए, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो आपने सीख ली, आने वाला सारा का सारा जितना अकाउंटिंग काम है उसका बेस तैयार कर रहा हूं मैं आपका। एक एक शब्द आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और इन सब चीजों को मैंने इतनी डिटेल में जो बताई है, दिमाग में फीड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला मैंने आपसे कहा था एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लाइबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स, कैपिटल, ये पांच एलिमेंट में से जो पहला एलिमेंट था वो मैंने आपको आज डिटेल में करवाया इस सेशन में। आने वाले सेशन में हम लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स वो करेंगे। वो इतने बड़े नहीं है जितना एसेट का यहां पर डिटेल थी ना। तो आने वाले सेशंस में ये एसेट ही बहुत बड़ा है बस, लेकिन बाकी चीजें इससे थोड़ी सी छोटी होंगी, ठीक है? तो एसेट एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अच्छी तरह से सीखिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।